कटिहार में लगभग 100 एकड़ में लगी बुलेट मिर्ची पर संकट छा गया है। लॉकडाउन की वजह से बाकी जिलों से आने वाले खरीदार नहीं आ पाए हैं, जिसके चलते खेतों में मिर्ची बर्बाद हो रही है। दरअसल कटिहार के हसनगंज का इलाका बुलेट मिर्ची की खेती के लिए खासा पहचान रखता है। कोढ़ा प्रखंड के राजवाड़ा से लेकर हसनगंज प्रखंड के कई इलाकों में लगभग 100 एकड़ में इस मिर्ची की खेती होती है। हर साल बड़ी संख्या में खरीदार खेत तक पहुंचकर मिर्ची खरीदकर ले जाते हैं, लेकिन इस बार खरीदार नहीं आने के चलते मिर्ची किसान मिर्ची को मायूस होकर खेतों में ही तोड़ रहे हैं। इस पर किसान कहते हैं कि मिर्ची नहीं तोड़ेंगे तो पौधे और जल्दी खराब हो जाएंगे, इसीलिए पौधे बचाने के लिए मिर्ची तोड़ना जरूरी है। यहाँ पर बुलेट मिर्ची का खेती लगभग 50 से 100 एकड़ के बीच में होता है। खासियत क्या है इस मिर्चाई का, खासियत क्या है? इस मिर्चाई का खासियत है जो इसका यील्ड थोड़ा ज्यादा होता है, और इस कारण इसका खेती आदमी अधिकतर करता है। परेशानी क्यों होती है? क्या परेशानी है? कोरोना के दौर में कुछ परेशान है? कोरोना के दौर में सर पूरे बर्बाद है, परेशान ही परेशान है। ये जो गाछ जो देख रहे टूटा हुआ सर, इसका जो है अगर नहीं तोड़ेंगे तो सर ये पौधा पूरे बर्बाद हो जाएगा, और ये नहीं मार्केट नहीं के कारण ये टूट नहीं पा रहा है। इसको तोड़ के हल्का कर रहे हैं गाछ को, ताकि ये गाछ बचा रहे। जाता कहाँ कहाँ मुझे अभी सर किसी तरह इसको बाजार भेजने का भी कोई प्रबंध नहीं है, यही लोकल में जो बिकेगा से बिकेगा, बाकी बात फेंक देंगे सर। तो क्या कारण है? बाजार कहाँ का, कौन कौन बाजार है? कटिहार से बाहर कहाँ का जाता है? कटिहार से बाहर सर पश्चिम तरफ ही जाता है, ये बिहार के में ही रहता है मिर्चा, बिहार से बाहर नहीं जाता है। लेकिन कोई गाड़ी चल ही नहीं रहा है सर, तो कोई व्यापारी ही नहीं आ रहा है सर। कितना नुकसान हो रहा है आप लोग का इसमें? सर इसमें हम लोगों का लगभग अभी पर एकड़ जो है 20,000 रुपया से ऊपर का नुकसान है अभी फिलहाल का सर। इस इलाके में कितना एकड़ में लगभग खेती होता है? इस एकड़ में लगभग 60-70 एकड़ में खेती होता है सर। 100 एकड़ के आसपास। लॉकडाउन में मुश्किल में क्या है, लॉकडाउन के बारे में क्या सोचते हैं? लॉकडाउन तो ठीक है, लेकिन किसानों के लिए, खासकर सब्जी के किसानों के लिए कुछ सूत्र रियायत देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बिहार के अंदर ही काम करना है, बिहार से बाहर नहीं। वहीं हसनगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं कि प्रशासन अपने स्तर पर किसानों को रियायत देने की या किसानों का उपज स्थानीय बाजार तक पहुंचाने की पूरी छूट दे रहा है। अभी सरकार का एक पत्र आया है कि कृषि उत्पाद से जो भी संबंध है, आवश्यक वस्तुओं के जो उत्पादन है या मालवाहक वाहन है, उन कार्यों के लिए पास की आवश्यकता भी नहीं है और उन्हें कोई रोका भी नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई किसान किसी उत्पाद का सामान ले जा रहे हैं तो आराम से वो ले जाके कहीं भी उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए छूट है, इसके लिए उन्हें पास की भी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई मार्गदर्शन की जरूरत होगा प्रशासन, अगर कोई भी मार्गदर्शन की जरूरत है तो प्रखंड कार्यालय में लोग रहते हैं, कंट्रोल रूम भी है हमारा, और जितनी भी सहायता हो, किसान हमारे यहाँ भी आते हैं, कभी ट्रैक्टर के लेके, कभी कोई पैसा लेके, तो प्रखंड स्तर पर हम लोग तो पूरा छूट दे रहे हैं कि अपने किसी कार्य में और उनके उत्पादन या कहीं ट्रांसपोर्टेशन कोई भी बाधा ना। आपको बता दें कि बुलेट मिर्ची अपने तीखेपन की वजह से बिहार के पश्चिमी जिलों में सबसे ज्यादा खाई जाती है। कटिहार से न्यूज के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट।